Good morning, students. Welcome to this lecture, which is specifically made because of your doubts. Okay. Many times when we are solving questions, numerical questions, we come across certain values of, say, sine theta is equal to, say, 0.031, or cos theta is equal to 0.679. Then I usually say that use trigonometric table to find the value of theta. So many of the students have got this doubt that how to use this trigonometric table, or they have never seen this trigonometric table. Okay, so this lecture is specifically to teach you how to use a trigonometric table. So the first requirement for this lecture is that you must have a trigonometric table. Okay, usually you will find this trigonometric table in the back side appendix of your reference books of physics, chemistry, or mathematics. No, not chemistry, but mathematics, you'll usually find this trigonometric table. So, सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? ये table होना चाहिए, अगर आपको reference value चाहिए तो. So, what I'll do is, I will send all the students this, an image of this trigonometric table, so that you can use it. And usually what you do is, when you find this odd numbers, so you use your calculator. That is fine till the time that in board exam you cannot use the calculator. So you must have a trigonometric table. Or agar trigonometric table use karna nahi aata hai, to aap uska value nikal nahi payenge. So let us say ki kahin kuch hum kar rahe the, aur uske baad mein ek value aayi, say cos theta is equal to 0.978. Cos theta is equal to 0.978. ये वैल्यू आई है ना. तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.978. अब यहाँ करने के बाद आप अटक जाते हो कि अब क्या करें, है ना. अगर आपके पास में कैलकुलेटर है तो आप तो कैलकुलेटर से तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो, बट कैलकुलेटर नहीं है और आपको ये दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. सो व्हाट यू विल फाइंड हियर इन दिस, एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन टू यूनिट्स, एक रेडियन है और दूसरा डिग्री है, है ना. तो जब आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने यूनिट क्या लिया है इसका, थीटा का, डिग्रीज में लिया है कि रेडियन में लिया है, उसके हिसाब से आपको ये टेबल देखना है. सो व्हाट यू विल फाइंड हियर इज इन द, ये पहला कॉलम जो है दैट इज फॉर रेडियंस, दूसरा है डिग्री, है ना. और इन जीरो डिग्री का साइन वैल्यू क्या है, कोसाइन वैल्यू क्या है, और टेंजेंट वैल्यू क्या है, यानी कॉस वैल्यू, साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू एंड टेन वैल्यू. ओके, सो इफ कॉस थीटा इज समथिंग देन दीज आर द वैल्यूज, लाइक इफ कॉस फर्स्ट, पहला जो है जीरो डिग्री है, तो जीरो डिग्री का साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, है ना. लेकिन जीरो डिग्री का कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, एंड टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है. तो यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ डिग्रीज 0 to 90 and radians 0 to 2 pi radians. Okay, you can find this here. 90 degree tak ka hai, yani pi by 4 radians tak hai, hai na. Kya hoga 90 degree tak, is table mein 90 degree tak hai, to ye pi by 4 radians tak. Okay, now we have to calculate the value of cos inverse 0.978. तो आप इसमें कोसाइन टेबल में आप देखेंगे 0.978 के पास आसपास वाली कौन सी वैल्यू है, है ना. मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि वो नहीं है, वो वैल्यू नहीं है. तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसका आप एंगल ले लीजिए और उसको लिख दीजिए आंसर में, अप्रॉक्सीमेटली दिस एंगल. ओके, तो 0.978, ओके 0.978 आई गॉट इट, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.978. नाउ इसकी वैल्यू डिग्रीज में है 12 डिग्रीज, है ना. वैल्यू कितनी है डिग्रीज में, 12 डिग्रीज, और रेडियंस में है 0.209, है ना. वैल्यू डिग्रीज में कितनी है, 12 डिग्रीज, एंड रेडियन में है 0.209. सो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्रीज, या अगर रेडियन में बोलूँ तो 0.209 रेडियंस. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल, है ना. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टेबल तो इट इज़ वेरी सिंपल. सर एक और वैल्यू लेते हैं, सपोज 10 थीटा, सपोज
tan theta is equal to 3.078. tan theta is equal to 3.078. So theta will be tan inverse 3.078. अब 3.078 को tan के नीचे देखेंगे, है ना, या sin के नीचे या cosine के नीचे नहीं देखेंगे, कहाँ के किसके नीचे देखेंगे, किस कॉलम में देखेंगे, tangent के नीचे वाले में. तो tangent is 3.078. Okay, I found this 3.078. Okay. तो 3.078 से मैं यहाँ पे एंगल में जाऊँगा तो इट इज़ 72 डिग्रीज, है ना. सो द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्रीज. ओके, एंड इन रेडियन इट विल बी 1.257 रेडियंस. ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज इट. ओके, नाउ देर आर सर्टन केसेस व्हेन यू विल नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा जो आपने आंसर में निकाला तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तब क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 0.264. नाउ दिस एंगल इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0.264. सो थीटा विल बी साइन इनवर्स 0.264. नाउ यू गो टू योर टेबल और आप देखना चाहते हो कि 0.264, है ना, 0.264 आपने देखना स्टार्ट किया तो आपको एक मिला 0.259. ओके, नेक्स्ट वैल्यू उसके नीचे 0.276. अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 0.259 और दूसरी वैल्यू आ रही है 0.276. ये तो आ ही नहीं रही है, है ना. तो आप ये कोशिश करिए देखने की कि जो 0.264 है किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है कि इसके ज़्यादा पास है, है ना. तो इफ़ आई सी तो ये इसके ज़्यादा पास है ना, 2.259 के ज़्यादा पास है. तो ये हम 2.59 के करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेंगे, ये है 15 डिग्री. तो मैं लिखूँगा थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 डिग्रीज, है ना. सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 15 डिग्रीज, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 डिग्रीज. नेक्स्ट एंगल क्या है, 16 डिग्रीज. तो 16 डिग्रीज से काफ़ी दूर है, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 डिग्रीज. आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट्स. थैंक यू.